यस, तो हम लोग अभी जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज रहा करेगा। कुछ लोग जो है अपना ये बार बार रिक्वेस्ट करते जा रहे थे कि क्वेश्चंस वगैरह जो है करवाने के लिए जो है, तो देखिए कई सारे यूनिवर्सिटी पिछले साल भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिया था, और इस साल भी जो है कई सारे और यूनिवर्सिटीज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो करेगा। कई सारे यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि मेजोरिटी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फॉलो कर ले, क्योंकि इस तरीके से जल्दी सा एग्जाम लिया जा सकता है। दूसरी बात है कि जो बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है स्टूडेंट पे जो है, वो अच्छा से बाय द वे नहीं पढ़ाई कर पाए, तो ऑब्जेक्टिव वगैरह में वो प्रायः जो है बीच का रास्ता वो खोज करके अपना एक नंबर ला सकते हैं। ओके, तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब जो है कई सारे यूनिवर्सिटी जो है खास करके कोरोना के समय में जो है उस रूल को फॉलो किया। उससे क्या होता है, चेकिंग वगैरह करने में भी आसानी हुआ करता है, ठीक है। मार्किंग सिस्टम भी बहुत तेजी से जो है इस पर फॉलो कर लिया जाता है। तो हम इसको भी समझ करके हम इस सीरीज को स्टार्ट कर दे रहे हैं। दूसरी बात है कि इसको हम कई सारे सेक्शन में रख देंगे, जैसे सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, ऐसे करके। तो जैसे जैसे सेट आगे बढ़ेगा ना, उसका लेवल ऊपर होता रहेगा, ठीक है। शुरुआती जो सेट वन रहेगा वो यूनिवर्सिटी को काम आएगा, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम वगैरह हैं या जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं उसको आपको रिविजन करने में या क्लियर करने में काम आएंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम हायर सेट देंगे, जैसे सेट टू हुआ, सेट थ्री हो गया, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन्स लेवल के लिए रहेंगे। तो जो कि मान लीजिए कि आगे आने वाले समय में ग्रेजुएशन बेस्ड जो कॉम्पिटिशन देने वाले होंगे फिजिक्स को लेते हुए, ठीक है, तो वैसे लोगों को ये काम में आएगा, ठीक है। तो हम सेट टू, सेट थ्री ऐसे करके देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम तुरंत ही सब कुछ करके देंगे। आप उम्मीद करते हैं, हमारे साथ भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं है कि सब लोग का मतलब एक ही बार में हम जो है जो उन लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं पूरा कर पाएंगे। हाँ, एक कंसिडरेशन में रखा हुआ रहता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस वगैरह को भी जो है डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो है ट्वेल्थ वगैरह लेवल का जो है करिए, कुछ लोग अपना ग्रेजुएशन वाले लेवल के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो हम सभी को कंसिडर करेंगे धीरे धीरे जो है। ये ऑनलाइन वाले में क्या है ना कि हम मतलब बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा समय देना होगा आपको जो है, ठीक है। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है या सेट वन है, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह का जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहता है ना, हर कॉम्पिटिशन बेसिक लेवल का रहता है, वो सब में आपको काम आएगा। बाकी ये रिविजन करने में आपको काम आ सकता है, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने वाले उनके तो डायरेक्ट काम आने वाला, ठीक है। तो हम लोग रिलेटिविटी का ये क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आपके सिलेबस में रहा करता है, प्रायः फर्स्ट ईयर में अधिकतर लोगों को पढ़ने के लिए रहता है। तो देखिए, इसमें आपको पहले से जानकारी रहना चाहिए, तभी तो आप इसको कर पाएगा। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आपको है, द एम ऑफ माइकलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट वाज टू, आप एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आपको रहा करता है, मॉरल माइकलसन एक्सपेरिमेंट। तो इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ रहता है, अभी बोले तो अभी हम बहुत ज़्यादा जो है थ्योरी वाला डिस्कशन नहीं कर सकते, अभी हमारा क्वेश्चन करने का जो है यह रहा करेगा। शॉर्ट में हल्का बहुत रिफ्रेश कर देंगे कुछ कुछ बातों को। तो जो मॉरले माइकलसन एक्सपेरिमेंट या माइकलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, जो सदियों से एक्चुअली ईथर का जो थ्योरी था, जो ईथर का जो थ्योरी लोग लेकर के चल रहे थे, जिसको कभी वो प्रूफ डायरेक्टली रूप से नहीं कर पाए थे, कंसेप्चुअली रूप से लेकर चल रहे थे, उसको प्रमाणित करने के लिए जो है माइकलसन मॉरले जो एक्सपेरिमेंट की। और नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि वैसा टाइप का ईथर को कंसिडर करने का जरूरत ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको हम लोग नल रिजल्ट या निगेटिव रिजल्ट बोलते हैं, उसी आधारित पर ये क्वेश्चन रखा हुआ है। तो द एम ऑफ माइकलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट वॉज टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। ईथर का वो एग्जिस्टेंस प्रूफ करने चले थे, ऐसा नहीं कि नकारात्मक होकर के चले थे, वो चले थे कि ईथर यदि वास्तव में है, कई सदियों से इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चला जा रहा है, तो अंडर एक्सपेरिमेंट इसको लाया जा सकता है। लेकिन वो जब कई बार एक्सपेरिमेंट किए तो पाए कि ईथर का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बेकार को ढोया जा रहा है, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को जो। तो वो जो लेके चले थे एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर को प्रूफ करने चले थे, लेकिन वो निगेटिव रिजल्ट है। कैसे, कोई चीज़ टेस्ट कराते हैं, ठीक है, वो टेस्ट करा रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल में मान लीजिए कोविड वगैरह से हो नहीं, लेकिन बोल रहे हैं जैसे कोविड का टेस्ट कराते हैं, तो किसी को होता है तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है, और यदि नहीं रहा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव है। तो ईथर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको प्रूफ करने चले थे, लेकिन वो आया ही नहीं, तो निगेटिव रिजल्ट, उसको नल रिजल्ट बोलते हैं। ओके, तो आगे का क्वेश्चन इसमें डला हुआ है, अभी फिलहाल में जो आपका है यही आपका रहेगा, प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर देंगे। मेजर स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा करने के लिए नहीं था, पहला तो ऑप्शन सही हो गया, बात खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हम हल्का हल्का ऑप्शन को डिस्कस कर दे रहे। मेजर स्पीड ऑफ अर्थ रिलेटिव टू ईथर, ऐसा भी नहीं है। टेस्ट द आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, ऐसा भी नहीं। तो पहला वाला जो है आंसर सही है, पहला वाला, ठीक। तो पहला वाला जो है ये हम इसको जो है कर दे रहे हैं, इसको टिक मार दे रहे, कुछ कलर चुन ले रहे हैं वैसा जिसमें आपको जो है थोड़ा सहूलियत हो। ये कलर दिख रहा होगा, हल्का ग्रे टाइप का कलर है, दिख रहा होगा ना,
पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहला वाला आपका जो है ऑप्शन है, हमको कंफर्म यहाँ थोड़ा दिख रहा है ऐसे, जो यहाँ पहला वाला जो है आपका ऑप्शन रहेगा। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है द पॉस्टुलेट ऑफ एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम लोग शॉर्ट में एसटीआर भी बोला करते हैं, सब्जेक्ट कोड रहा करता है, तो एसटीआर आप इसको बोल सकते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो पॉस्टुलेट था, दो पॉस्टुलेट था आपको मालूम होगा। ओके, तो इसमें जो बोल रहा है कि पॉस्टुलेट जो एसटीआर का, वो किस में एप्लीकेबल है? एक्सेलरेटेड फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम, नन ऑफ देम। तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉस्टुलेट्स थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो इनर्शियल फ्रेम में लागू हुआ करता है। इनर्शियल फ्रेम वैसा फ्रेम जिसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदले, ना तो उसका डायरेक्शन बदलता हुआ रहे, जो है वह स्थिर रहे, लेकिन वो हाई स्पीड रहा करता है। स्पीड जो रहता है रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड रहा करता है। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए जो है एसटीआर का जो पॉस्टुलेट है वो वैलिड रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन होंगे क्या होंगे? सेकंड ऑप्शन होंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फ्रेम एफ इज स्टेशनरी। बोला जा रहा है कि फ्रेम एफ जो है वो स्टेशनरी एंड द फ्रेम एफ डैश इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, ए रॉड प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस, एक रॉड है जो कि वाई एक्सिस, जैसे फ्रेम इधर मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सपोज कर लीजिए इधर इधर मूव कर रहा है, और रॉड जो प्लेस्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ओके, तो बोला जा रहा है कि इसका ऑप्शन जो है कि जो आपका ए रॉड प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस इफ ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रेम फ्रेम फ्रॉम एफ फ्रेम अपीयर्स। ओके, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है फ्रेम का, और जो रखा हुआ है रॉड वाई डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो प्रभावित नहीं होगा क्योंकि रॉड का जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन के अलोंग रखा हुआ रहेगा, तो उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा। ठीक है, जो अपेरेंट कॉन्ट्रैक्शन आपको जो है रिलेटिविटी के हिसाब से जो आया करता है, जिसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लॉरेंज फिट्ज़गेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तभी वो इफेक्टिव रहता है जिस डायरेक्शन में फ्रेम का वेलोसिटी है या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में वो आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप अंडर एक्सपेरिमेंट लिए हुए वो रखा हुआ रहना चाहिए। तो वाई डायरेक्शन में है तो आपको वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिवली रूप से वो आपको नहीं आपको देगा सामने। तो इसको आप बोल सकते हैं कि जो है वो क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगा, इलॉन्गेटेड नहीं होगा, अनचेंज्ड रह जाएंगे वो। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, समझ में आ ही रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और जो रॉड रखा हो वाई डायरेक्शन में रखा, हाँ वाई डायरेक्शन में ही यदि रहता, सपोज कर लीजिए वाई डायरेक्शन में ही वेलोसिटी रहता और वाई डायरेक्शन में रखे हुए, तब तो आपको जो है काम आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक मक्खी एक्चुअली आ गई जिसको ये बार बार टच होने से जो है ऐसा हो जा रहा है। लाइट एक्चुअली जल रहा है ना, तो आसपास में कुछ लोग नहीं मतलब कीड़े मकोड़े जो है चले आते हैं, उसके वजह से ऐसा हो जाता है। तो कीड़े मकोड़े नहीं, जो फितंगी होते हैं ना, वही आ गए। बरसात का दिन है, लाइट जलता है तो आपको मालूम है चल ही आता है, अब उसको हम कितना परेशान करते जाए, हो सकता है उसको ही पढ़ने का मूड कर गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा ब्लू कलर हो गया, छोड़ देते हैं इसको, जो समझ में आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन, हाँ इसको ऑप्शन टिक नहीं किया, तो ये ऑप्शन जो हो जाएंगे अनचेंज्ड हो रहेंगे, समझ में आ रहा है ना क्यों है? ठीक, अब उसके बाद जो है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू फोटोन्स। अब ये मक्खी जो है ना, ये मक्खी है या फितंगी पता नहीं, परेशान थोड़ा सा कर दिया, एक मिनट, जस्ट मिनट इसके लिए सॉरी, क्योंकि अब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मारना तो अच्छा रहेगा नहीं। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू फोटोन्स, बोला जा रहा है कि टू फोटोन्स का रिलेटिव वेलोसिटी, दे अप्रोच ईच अदर, दोनों एक दूसरे का अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा? तो आपको बताया गया होगा पॉस्टुलेट्स में जो है कि जो लाइट का जो स्पीड होता है, ठीक है, वो स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहा करता है। कहने का मतलब, चाहे आप कितना भी हाई स्पीड वाले फ्रेम से उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, जो लाइट का वेलोसिटी वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो फोटोन का भी स्पीड जो हुआ करता है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर हुआ करता है, क्योंकि लाइट का ही तो पार्टिकल नेचर हम लोग फोटोन के रूप में इमेजिन करते हैं। तो फोटोन यदि सपोज कर लीजिए अप्रोच कर रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो उसका जो रिलेटिव जो वेलोसिटी रहा करेगा वो अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। और ये तो आश्चर्यजनक बात है, लेकिन पॉस्टुलेट यही तो बोलता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो उसमें जो है जो वेलोसिटी रहा करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी वही रह जाएगा, ठीक है, स्मॉल सी, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रहता है, यही रह जाएगा। समझ में आ रहा हो? वरना आप पॉस्टुलेट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो है वो आपको टॉपिक वाले में डिस्कस किया हुआ है पॉस्टुलेट, कि लाइट का जो स्पीड रहता है
या फोटोन का जो स्पीड हुआ, क्योंकि फोटोन लाइट का ही तो पार्टिकल नेचर के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं, तो जो लाइट का स्पीड जो रहा करता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है। चाहे ऑब्जर्वर कितना भी स्पीड से मूव कर रहा हो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी स्पीड से मूव कर रहा हो, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लाइट जो रहा करेगा वो अनचेंज रहा करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन वेयर सजेस्टेड बाय रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? तो पहली बार जो सुझाव दिया गया था ना मैथमेटिकली रूप से, वो लॉरेंज के द्वारा दिया गया था। कभी कभी आप कंफ्यूज में होकर के जो है, हो सकता है कि आप आइंस्टीन का जो है टिक मार दीजिए। आइंस्टीन जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप की, ओके, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फिर जो है फर्दर डेवलप की, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत जो उसका नींव आप बोल सकते हैं फाउंडेशन जो है कई लोगों का तैयार किया हुआ था, जैसे पॉइंटकरे का तैयार किया हुआ था, मिंकोविस्की के द्वारा तैयार किया हुआ था, लॉरेंज के द्वारा तैयार किया हो गया था, कई लोगों के द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन हाँ, बोले ना कि आइंस्टीन का ये जीनियस एक तरह से आप समझिए जो थे, जिसके वजह से वो सारे कॉन्सेप्ट को जो है अच्छी तरह से इस्तेमाल करके एक इफेक्टिव थ्योरी में जो है कन्वर्ट कर दी, एक इफेक्टिव जो है डिस्क्रिप्शन में, जो लॉ ऑफ एक तरह से आप नेचर समझ सकते हैं या नेचर में उस तरह का रूल फॉलो होते हैं उस तरह के रूप में वो एक्सप्लेनेशन जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से वो की। ओके, आप जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं, जैसे ताजमहल सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल, तो ताजमहल सिर्फ एक वैसा टाइप का, ऐसा तो नहीं कि संगमरमर और कुछ जो है मिट्टी पत्थर डिजाइन ऐसा, ठीक है, वो एक तरह से एक एक्सट्रीम आर्ट आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। हर लोग जो है उस संगमरमर से उस तरह का डिजाइन नहीं बना सकता, उस तरह का फीलिंग नहीं ला सकता एक्चुअली। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, तो कई सारे मैथमेटिकल चीजें जो है पहले से तैयार थे पॉइंटकरे के द्वारा, मिंकोविस्की के द्वारा, लॉरेंज के द्वारा, लेकिन वो उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं कर पाया था, मतलब नेचर की उस तरह का रूल को सामने नहीं ला पाया था जिस तरह से आइंस्टीन अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लेकर के आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि पहले से तैयार था तो वो उसको, पहले से तैयार था तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसको उस रूप में दे देंगे जिस रूप में जो है आइंस्टीन के द्वारा जो है चीज़ों को रखा गया था। ओके, तो लॉरेंज के द्वारा जो है रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुझाव दिए गए थे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हाँ, इसको टिक मार दे रहे, टिक मार दे रहे, कुछ लोग इसको छपाई भी कर रहे हो सकता, ये करेंगे बाद में। व्हेन ए बॉडी ऑफ रेस्ट मास 1 kg मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इट्स मास बिकम्स, तो आपको पता है कि जो रिलेटिविस्टिक मास रहा करते हैं उसको हम लोग कैसे देते हैं। रिलेटिविस्टिक मास जो है वो m इज इक्वल टू हम लोग m नॉट बाई अंडर रूट 1 - v² / c² करके देते हैं, वेयर m नॉट इज रेस्ट मास। रेस्ट मास अब कोई भी मास है, जैसे यहाँ पे वो बोल रहा है कि 1 kg मास है, जैसा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 kg मास है, और जो वेलोसिटी है उसका, ठीक है, उसको आप लाइट के स्पीड के बराबर कर देते हैं, मतलब सी आप वेलोसिटी कर देते हैं, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये अंडर रूट 1 - 1 बन जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जहां 0 होगा वो टर्म जो है इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऐसे देखा जाए तो फिजिकली रूप से वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली रूप से वो बोला है आपसे, यदि 1 kg रेस्ट मास है किसी बॉडी का और उसका स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराया जाता है तो उसका मास क्या होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा थियोरेटिकली एक तरह से, प्रैक्टिकली वैसा अचीव नहीं किया जा सकता है। ओके, क्योंकि इन्फाइनाइट मास यदि होने लगेगा तो उसके लिए आपको एनर्जी भी जो है इन्फाइनाइट चाहिए, वो एनर्जी लाइएगा कहाँ से। तो थियोरेटिकली एक तरह से क्वेश्चन है, ये आपसे डिमांड किया कि यदि सपोज कर लीजिए कोई 1 kg मास है रेस्ट मास और उसको आप स्पीड ऑफ लाइट से एक्चुअली मूव कराते हैं, ओके, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन इट्स मास बिकम इन्फाइनाइट, इट्स मास विल बिकम इन्फाइनाइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन फेमस मास एनर्जी रिलेशन इज, ये तो सबको पता होना चाहिए, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो इतना फेमस रिलेशन है कि आर्ट के भी लोग जानते हैं, मतलब अनपढ़ भी लोग हो सकता है कि जानते हो, ये तो आइंस्टीन का मतलब समझिए कि पॉपुलरिटी का एक तरह से कमाल है ना, ठीक है, वो एक पॉजिटिव दृढ़ पॉपुलर, तो देखिए कई सारे लोग बदनाम लोग भी पॉपुलर होते हैं, फालतू लोग भी पॉपुलर होते हैं, लेकिन आइंस्टीन का जो पॉपुलरिटी था वो काफ़ी समझिए इंटेलेक्चुअल टाइप का पॉपुलरिटी, बहुत ज़्यादा समझदारी वाला एक्चुअली पॉपुलरिटी था। तो कुछ इक्वेशंस जो है ना आइंस्टीन का जो है लोग जानते हैं, ओके, और बहुत सारे इक्वेशन तो समझ ही नहीं सकते, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला जो रिलेशन है ना वो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आइंस्टीन फेमस मास एनर्जी रिलेशन जो है वो क्या है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ओके, एम नॉट सी स्क्वायर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो रेस्ट मास को दर्शाता रहता है, तो प्रायः जो है आप रेस्ट मास के रूप में ऐसा बोलने का कोशिश नहीं करते हैं। ओके, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेगेटिव रिजल्ट, हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि इस तरह का इसको नेगेटिव रिजल्ट या नल रिजल्ट बोलते हैं माइकलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट का। द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द माइकलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट वॉज दैट इट कुड नॉट मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, या ऐसा कोई बात ही नहीं था, वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने थोड़ी नहीं चला था माइकलसन मॉरल, वो तो ईथर का कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने चला था एक्चुअली जो।
इट कुड नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर. हाँ ये बात सही है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर को जो प्रूफ करने चले थे वो नहीं मिला एक्चुअली. ओके तो वन नल रिजल्ट या निगेटिव रिजल्ट के नाम से जाना जाता है. ओके इट कुड नॉट सो, आंसर तो मिल चुका है लेकिन फिर भी हम ऑप्शन और भी डिस्कस कर दे रहे हैं. इट कुड नॉट सो द शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेज. ओके ये भी बात ऐसे सही है देखा जाए तो, मतलब जो शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज जो है वो नहीं हुआ था. जो लोग माइकलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे ना उसको इस कारण, लेकिन वो नल निगेटिव रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है ना चीजें. ये भी सही है स्टेटमेंट जरूर है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से वो नहीं, क्योंकि वो पूछ रहा है आपसे कि निगेटिव रिजल्ट या नल रिजल्ट क्या था, तो वो दूसरा ही ऑप्शन सही है. ओके जैसा आपका है दूसरा, इधर क्यों भागने लगता है, तो ये हो गया. ओके इट कुड नॉट प्रूव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट. वो ऐसे तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करने गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है या नहीं, उसके बारे में थोड़ी ना बात करने के लिए चला था. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइम डायलेशन कैन बी गिवन बाय. टाइम डायलेशन जो है वो किस तरह से दे सकते हैं, टी इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ओके जहां पर टी नॉट जो है प्रॉपर टाइम है. ओके टाइम इंटरवल रहा करता है एक तरह से देखा जाए तो टाइम डायलेशन को आप इस तरह से जो है दे सकते हैं. रिलेटिविस्टिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय. रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो रहा करता है उसको आप किस तरह से दे सकते हैं, वो आपका ये वाला, इसमें देखिए कभी कभी इसमें धोखा खा सकते हैं, हड़बड़ी में रहेगा तो ये वाला ऑप्शन होगा. ठीक है इसका हम प्रूफ वगैरह भी जो है किए हुए हैं, जो रिलेटिविस्टिक रिलेटिविटी वाला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो प्लेलिस्ट होगा ना उसमें आप जाइएगा तो ये सब प्रूफ किया हुआ है एक्चुअली. जो तो इज इक्वल टू दिस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, तो वो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होता, वो एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 होता है एक्चुअली जो. ओके वो एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर करिएगा तो एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 बन जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा. बाकी ऑप्शन वैसे ही दे दिया कन्फ्यूज करने के लिए. ओके तो वो काफ़ी फेमस रिलेशन रहता है, कभी कभी एग्जाम में वो आपसे प्रूफ करने बोलेगा, लेकिन यार हम अलग बात है कि हम ऑब्जेक्टिव के रूप से किए हमारे सेट 1 का. ये क्वेश्चन सेट 1 का क्वेश्चन आपको शुरू में ही बता दिए थे कि थोड़ा बेसिक लेवल करा कर. हाँ लेकिन यूनिवर्सिटी में इसी तरह का पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टफर नहीं करा करता एक्चुअली जो. ओके ये कुछ क्वेश्चन हम आपको हमेशा दे करके छोड़ा करेंगे ताकि आप जो है थोड़ा रिवीजन जब कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आप भी वर्कआउट करिए, फिर हम अगले वाले में उसको कंसिडर कर लेंगे, हम अगले वाले में उसको सॉल्व कर देंगे. लेकिन आप जो है इसको बनाते हैं और जो कमेंट वाले सेक्शन है उसमें आप आंसर देते हैं. जैसे मान लीजिए 10^8 है ना, तो आप लिख दीजिए 10^8 ऐसे करके, वरना आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी जो आंसर सपोज कर लीजिए आपको 10^10 का लिखना है, तो आप ऐसे करके जो है इसका ये वाला सिंबल आपके मोबाइल में रहता होगा, आप 10^8 मान लीजिए लिखना है तो ऐसे करके लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे लैंग्वेज दे दीजिए 10^8 ऐसे करके जो 10^8, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे थे, इतना क्या लिखिएगा उससे अच्छा ये लिख दीजिए. ओके समझ में आ रहा है ना, हम एक एग्जाम्पल दिए, ऐसा नहीं कि वही आंसर उसका, हम एग्जाम्पल दिए कि वो आता है उस तरह का वैल्यू जो है, तो आप ऐसे करके लिखिए वो आप कुछ वैल्यू आएगा, वो 10^7 आ सकता है, 10^8 आ सकता है, 10^5 आ सकता है, जो आएगा वो आप अपना कैलकुलेट करके रखिएगा. ओके तो ये प्रैक्टिस के लिए हम इसको अगले वाले में सॉल्व कर दिया करेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा इन्वॉल्व रहिए और हमको ही मालूम चले कौन कौन लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हम काम करते रहें. हाँ जो लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहते हैं रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, यदि वो आप मैसेज करते हैं हम आपके मैसेज को ज़्यादा प्रायोरिटी में लेकर के चलते हैं. ओके अब बाकी लोग ऐसे ही कभी कभी करते हैं, नहीं पढ़ते लिखते हैं, ऐसे ही कभी कर दिए तो फिर कोई ज़रूरी नहीं, उनका थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी में लेकर चलते हैं. लेकिन जो लोग देखते हैं बार बार जो है उसके बारे में देखते हैं, कमेंट किए हुए रहते हैं या मतलब जुड़े रहते हैं, कभी कभी मैसेज करते हैं कि ये वाला समय पे जो है मतलब टाइमिंग जो है उस वाले पे वो वाला थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, तो हम वो सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं. ओके तो इसको क्वेश्चंस को आप बनाइएगा. एट व्हाट स्पीड ए बॉडी मस्ट मूव सो एज टू हैव इट्स मास डबल. कितना स्पीड से किसी बॉडी को जो है मूव कराया जाए ताकि उसका मास जो है डबल हो जाए. दूसरा जो क्वेश्चन है, क्लॉक इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 0.95 c, इसका मतलब 95% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर स्टेशन ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पे. ओके इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5%, यदि आप इस स्पीड को जो है 5% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, बाय व्हाट परसेंट डज टाइम डायलेशन इंक्रीजेस, तो टाइम डायलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाता है. ओके तो यही क्वेश्चन है जिसको आप बना लीजिएगा और हम इसको अगले वाले में इसको डिस्कस कर देंगे. बाकी हम देखेंगे कौन लोग बनाए और कौन लोग कमेंट वाले सेक्शन में जो है उसका सही जानकारी दे पाए. कमेंट वाले सेक्शन में जानकारी दीजिएगा अच्छा रहेगा, हमारे पास पर्सनली क्यों मैसेज करिए, कमेंट वाले में करिएगा तो बाकी लोग को भी जानकारी मिलेगा कि हाँ कोई इस तरह का आंसर लाए. ठीक है मेरा आंसर यदि सेम आया है तब तो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेजोरिटी लोग का ही आंसर है, और यदि डिफरेंट आ रहा है तो उनको समझ में आएगा कि ये डिफरेंट आ रहा है तो या तो मेरा गलत है या तो उसका गलत है, तो चेक करेंगे क्रॉस चेक करेंगे उससे आंसर फिल्टर आउट हो जाएगा, बाकी तो हम सॉल्व कर ही देंगे. तो ये वाला सेक्शन हम आपको स्टार्ट किए. ठीक है
कुछ लोग बोलते हैं कि आप मतलब जो स्टार्ट किए हैं लेकिन मतलब जो है उसको हमेशा उसी पे वीडियो दें, ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा उसी पे वीडियो देंगे तो सुबह से लेकर के शाम तक हम कई सारे सेक्शन को स्टार्ट करेंगे, तो फिर तो हम सुबह शाम तक जो है, सुबह शाम तो छोड़िए रात भर भी करते रहेंगे तब भी कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा, ओके? तो इसलिए हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि हम उस टॉपिक पे भी एक इंटरवल के बाद जो है वो हम कुछ ना कुछ उसमें जो है कंटेंट को रखते रहेंगे। ये आपको भरोसा होना चाहिए कि उस टॉपिक पे भी हम कम जो है कंटेंट को रखेंगे। कई लोग डिमांड करते रहते हैं कि ऐसा करिए वैसा करिए वैसा करिए, तो जिनका सही ऑथेंटिक रहता है तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि उनका भी बातों को रखना है, प्लस में हम अपना भी सिचुएशंस को देख लेते हैं, बाकी और भी लोग का एग्जाम वगैरह रहता है उनका भी सिचुएशंस को देखना रहता है, ओके? तो हम इसलिए सेक्शन को जो कई सारा स्टार्ट कर देते हैं कि भरोसा रखें कि उस पर एक इंटरवल के बाद थोड़ा लेट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उस पर वीडियो कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो हमेशा अपलोड होता हुआ रहेगा, ओके? और ऐसे भी बोले ना कि हमको सभी का बात को लेकर के चलना रहता है, सबका बात आपके सर का भी लेकर के चलना रहता है, ठीक है? तो चलते हैं और इसके बाद हम लोग मिलेंगे, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट वाले सेक्शन में काम करें, मतलब नेक्स्ट वाला सेट रहा करेगा, ठीक है, जो कि सेट टू रहा करेगा। तो यहीं पर आने दे रहे हैं, अलग अलग ईयर का हम बीच बीच में कंसिडर करते हुए चले जाएंगे, जब इसको स्टार्ट करी थी तो बीच बीच में हर ईयर का हम कंसिडर करेंगे, तो यही रहने दे रहे हैं, फिर आगे मिलेंगे, इसको बना लीजिएगा और जानकारी दीजिएगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।